हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एग्जाम भी मैं हूं अरुणिमा एक्स मैनेजर सिद्धि एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ बीइंग एन इसेंशियलिस्ट कैन हेल्प यू क्लियर एनी एग्जाम एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन योर वेरी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ओके सो लेट अस सी हाउ टू बी एन इसेंशियलिस्ट क्योंकि इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अगर आप एक इसेंशियलिस्ट हो या बन जाते हो तो कैसे ये मदद करता है आपको अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्टर में क्लियर करने के लिए ठीक है सो so अपने स्क्रीन पे आप टेबल देख पा रहे होंगे टू कॉलम्स आर देयर वन इज इज फॉर फॉर नॉन एंड और हमें क्या होना जरूरी है तो हम देखते चलेंगे एक एक करके फोर पॉइंट यू कैन सी एक एक करके देखते चलेंगे कि हम में नॉन इसेंशियलिस्ट वाली क्वालिटी है या इसेंशियलिस्ट वाली तो पहले देखो एक नॉन इसेंशियलिस्ट क्या करता है चेंजेस गोल एवरी नाउ एंड देख और ऐसा वो क्यों करता है क्योंकि उसको हर चीज जरूरी लगती है वो इसेंशियल और नॉन में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ट्रिवियल है कुछ भी मामूली चीजें हैं उसको उसमें भेद नहीं कर पाता और इसकी वजह से बार बार गोल को चेंज करता है कभी उसको लगता है ये ये ज्यादा अच्छा रहेगा कभी लगता है ये ज्यादा अच्छा रहेगा सो आपको देखना है कि कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते हैं अगर हाँ तो accept it and फिर करिए करना क्या है जो essentialist होता है जो होता so पहले पहले को डिसाइड करने के पहले वो अच्छी तरह से सोचता है भले दिन का वक्त लेता है है ना क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कोई चीज डिसाइड कर लिया एक हफ्ता बर्बाद किया फिर आपको लग रहा है नहीं यार ये तो सही नहीं है फिर दूसरा तो उसमें ज्यादा वक्त आपका लॉन्ग टर्म में बर्बाद होगा सो बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का क्या पैटर्न है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी एज कितनी है आपका बैकग्राउंड कितना है आप कितने घंटे अपनी स्टडीज को दे सकते हैं एट प्रेजेंट आपका लेवल क्या है वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से सोच समझ के आप एक गोल डिसाइड करें और फिर उससे स्टिक करें है ना ये दोनों बातें बहुत जरूरी है गोल डिसाइड करना कैसे बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के और फिर उससे स्टिक करना अच्छा अपने गोल में एक चीज अगर आप और ऐड कर लो आप ये मत सोचो कि मुझे इस साल आर बी आई ग्रेड बी ऑफिसर क्लियर करना है इस साल मुझे बैंक पी बनना है इस बार मुझे सेबी बी नबार्ड क्लियर करना है वॉट एवर जो भी एग्जाम आप चुनते हैं आप ऐसा रखो कि मुझे टॉप फाइव में आना है इस तरह का गोल लेके चलो और आप हर दिन अपने आप को वो बोलो कि मतलब आप ये सोचो ही नहीं कि मुझे एग्जाम निकालना है आप तो दिन रात आपके दिमाग में यही होना चाहिए एट द बैक ऑफ योर माइंड कि मुझे टॉप फाइव में आना है फिर आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे ठीक है सो so, इस तरह का गोल आप मतलब गोल को डिसाइड करो और फिर उस गोल को पकड़ लो उसको छोड़ो नहीं मतलब ऐसा हो नहीं कभी कि वो गोल आपका पीछा छोड़े हर वक्त वो एक घंटी की तरह आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए देन ओनली यू विल बी यू विल डू ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो भी उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें आप करेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डोंट चेंज जो नॉन एसेंशियलिस्ट होता है वो अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलता है है ना जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है आपको ये समझना होगा कि अब आपने डिसाइड किया एक गोल आपने चूज किया है अपने लिए कि ठीक है मुझे ये एग्जाम लिखना है तो दैट मींस आपने एक अपने लिए डेस्टिनेशन चुना है जहां आपको पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एक जर्नी करनी पड़ेगी और जर्नी में क्या होता है देखो जब हम ऐसे देखते हैं बाहर बाहरी तौर पे, कोई भी आप जर्नी करते हो सोचते हो आपको बॉम्बे जाना है तो अब आप डिसाइड करते हो अब उसके लिए नेसेसरी चीजें करते हो टिकट बुकिंग करते हो ट्रेन की बस की जो भी पैकिंग करते हो वो सारी चीजें करते हो उसी तरह से आपने सोचा है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है या इस एग्जाम के लिए मैं जा रहा हूँ तो आपको वो नेसेसरी चीजें करनी पड़ेंगी कि क्या सिलेबस है वो देखें प्रीवियस ईयर पेपर देखें एग्जाम का पैटर्न क्या है कौन सा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है ये सारी चीजें ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा और उसके बाद ये बेसिक हो गया मतलब पैकिंग हो गई टिकट बुकिंग हो गई और फिर आप ट्रेन में फ्लाइट में बैठ जाते हैं तो आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड मोड में होते हैं आप जो चाहे वो नहीं कर सकते ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको समझना है कि जब तक मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता हूँ आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू फ्यू इसल थिंग्स है ना अब आप हर चीज नहीं कर सकते तो अगर जैसे लाइफ चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी तब तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे आपकी या तो पैकिंग ठीक से नहीं होगी या ट्रेन मिस हो जाएगी या फिर ट्रेन में आप जाएंगे भी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा काइंड kind ऑफ of. और यहाँ पे जो स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जैसे नेटफ्लिक्स देख रहे थे देख रहे थे अभी भी किसी स्टूडेंट ने बुलाया किसी आप, आपके फ्रेंड ने बुलाया बिना सोचे समझे आपने हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ एक स्टूडेंट को बहुत सेल्फिश होना चाहिए हर बार आप सोचिए कि अभी ये जो मैं करने जा रहा हूं ये क्या मेरे इस गोल को पाने के लिए इसेंशियल है अगर उत्तर हाँ हो तभी आप उसको करें और नहीं तो कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तब अदरवाइज आप ना करें ठीक है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ जर्नी और आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीजें करनी है जबकि इसेंशियल क्या करता है से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट द इसेंशियल वही जो मैंने अभी बोला कि आप हर काम करने के पहले किसी ने बोला मेरी शादी है दस दिन पहले आ जाना अब आप अपने आप से पूछो कि जो आपने गोल तय किया है क्या उसके लिए ये हार्मुल होगा या उसमें कुछ मदद करेगा आंसर इज नो ड्रॉप ये सिर्फ छह आठ महीनों के लिए करना है क्योंकि इससे आपकी पूरी के पूरी जिंदगी बदलने वाली है देन थर्ड नॉन इसेंशियलिस्ट आस्क एवरी वन हाउ टू अचीव हिस गोल अब वो ना हर तीसरे पर्सन से यही पूछेगा कि मैं सोच रहा हूँ आरबीआई का एग्जाम दू कैसे करना होगा क्या करना होगा वो हर आदमी का स्ट्रेटजी हर आदमी का वीडियो हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इसमें ही वो परेशान हो जाते मतलब वो एक्चुअली उनके दिमाग में ये पूरा एक मेस क्रिएट हो जाता है सो so आपको ऐसा नहीं करना है यू नीड टू डू द नेसेसरी होमवर्क यू नीड टू डू वॉट एन इसल इज डू डू द नेसेसरी होमवर्क उस एग्जाम के बारे में जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है क्या स्कीम है एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कट ऑफ देखिए और फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप सलाह लो और इसी थर्ड पॉइंट की वजह से क्या होता है कि जो नॉन एसेंशियलिस्ट होता है वो हर टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी बदलता रहता है क्योंकि मान लो उसने ए से पूछा या ए का कोई वीडियो देखा या Uh, किसी और अपने फ्रेंड से पूछा उसने बोला ये स्ट्रैटेजी बी ने कुछ और बोला सी ने कुछ और बोला डी ने कुछ और बोला सो so, वो क्या करता है कि ये नहीं सोचता कि वो सब लोग अपनी अपनी एबिलिटी अपने ability, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से स्ट्रैटेजी बता रहे हैं वो सबको लेके चलना चाहता है विच इज नॉट पॉसिबल और इस चक्कर में वो पूरा मेस हो जाता है सो so, गोल की तरह ही यहाँ पे भी आपको स्ट्रैटेजी जो इसेंशियलिस्ट होता है वो एक स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझ के बनाता है अपनी Uh, काबिलियत अपनी एबिलिटी अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को ध्यान में रख करके उसके हिसाब से वो अपना स्टडी प्लान रूटीन बनाता है और उसको स्टिक करता है है ना अपने छोटे छोटे टारगेट्स uh, बना लेता है कि इस वीक का मेरा क्या टारगेट है इस एक दिन का क्या टारगेट है मैं तो यहां तक कहूंगी कि अगर आप ये कर पाए कि अभी आपने सोचा कि दो घंटे के लिए मुझे पढ़ने बैठना है तो अब उस दो घंटे में आप क्या पढ़ने वाले हैं वो क्लियर कट आप लिख लीजिए शुरू में कि अच्छा इस दो घंटे में मेरा ये गोल है कि मैं सिलॉक्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लू ठीक है या मैं Uh, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लूं या हम ईएसआई में स्कीम्स देख लूं अभी जो लेटेस्ट हैं या इस मंथ का मैं बीपीडिया पढ़ लूं करंट अफेयर्स के लिए जो भी जो भी आपका गोल है अगर आप सोच के बैठेंगे तो आपका माइंड इधर उधर भागेगा नहीं सो so, इस तरह से आप जो इसेंशियल लिस्ट करते हैं वो आप फॉलो कर सकते हो लास्ट बट नॉट लीस्ट फील्स ओवरवेल्म्ड एज थिंग्स दैट एवरीथिंग इज इसेंशियल ये पहले वाले पॉइंट में भी था जो नॉन इसेंशियल लिस्ट है वो हमेशा ही उसको लगता है कि इतना सारा है मैं कैसे करूं क्योंकि उसको सब कुछ जरूरी लगता है जबकि जो इसलिस्ट है वो कही न कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश कर पाता है कि क्या इसल है और क्या नहीं और ये इट शुड बी एट एवरी लेवल क्योंकि इसेंशियल बहुत सारी चीजें नहीं होगी इसेंशियल बहुत फ्यू थिंग्स होगा और जो इसेंशियल नहीं है वो बहुत सारा होगा लॉट मेनी ठीक है तो अब जब इतने सारे ये हट गए जो इतना इसेंशियल नहीं था तो जो फ्यू थिंग्स होगा उसको आपके लिए मैनेज करना आसान होगा आप फिर ऐसे परेशान नहीं होंगे कि इतना सारा है मैं कैसे करूं है ना वन बाय वन वन बाय वन करते जाएंगे अब कैसे आपको ईच लेवल से मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ईच एंड एवरी लेवल पे आपको ये डिस्टिंग डिस्टिंगविश करते चलना है सो so अपना डेली रूटीन बनाते समय आपको देखना है कि उसमें आप इसशियल चीजों को ही रखें उसके बाद जब पढ़ाई पे आते हैं अब जो भी सब्जेक्ट्स हैं है ना अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो ई एस आई एफ एम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है इसके अलावा जनरल अवेयरनेस है अगर बैंक पीओ की बात करें तो इसमें क्यू आर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये चार पेपर है सो so, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा अगर हम नवार्ड की बात करें तो उसमें एक एआरडी एड हो जाता है सो so, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट्स में भी देखें जरूरी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं सिलेबस में क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ पे आपको 100 परसेंट मार्क्स लेके नहीं आना है वो आइडिया कहां से मिलता है कट ऑफ से आप पीछे के कट ऑफ डिटेल्स देखें वहां से पता चलेगा कि मेरा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए तो अब चूंकि 100 आउट ऑफ 100 लेके आना नहीं है तो अब आपको देखना है कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो मस्ट डू चैप्टर्स होंगे सो so एक्चुअली अगर आप आई एग्जाम भी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग क्लास में बताते हैं कि कौन से चैप्टर्स आपको जरूर करने चाहिए है ना अगर एक स्टूडेंट के लेवल पे अगर मान लो एक स्टूडेंट है बिगिनर है तो उसको नहीं समझ में आएगा कि अच्छा क्वांट में ये ट्वेंटी फाइव चैप्टर है तो मुझे परसेंटेज छोड़ना ज्यादा सही रहेगा या प्रोबेबिलिटी अगर वो सोचता है कि चलो मैं इस पच्चीस में से मुझे बारह चैप्टर करने हैं और बिना सोचे समझे करेगा तो हो सकता है वो परसेंटेज छोड़ दे और प्रोबेबिलिटी कर ले जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एट ईच एंड एवरी लेवल आपको देखते चलना है सो so, कौन सा चैप्टर जरूरी है कौन सा चैप्टर आप स्किप uh, कर सकते हो उसके बाद फाइनली चैप्टर में भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में भी कुछ पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ कम हो सकते हैं सो so, वहां पे भी ध्यान देना है और फाइनली इन एग्जाम और एग्जाम में जो आप करेंगे मॉकटेस्ट से ही शुरू कर दें एग्जामिनेशन हॉल में 200 क्वेश्चन है तो उन 200 क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कौन सा छोड़ना है वो डिसर्न करने की एबिलिटी बहुत जरूरी है सो so शुरू से अंत तक ये इसलिस्ट होना बहुत जरूरी है और बिलीव मी अगर आप स्टिक करेंगे इन पॉइंट से तो कोई भी एग्जाम क्लियर करना मुश्किल नहीं होगा आप जब अपने डे को एनालाइज करोगे ना रात में बैठ के आपको खुद समझ में आएगा कि कितना सारा टाइम हम बस यूं ही वेस्ट करते हैं सो क्विकली अ रिकैप गोल सेट करें बहुत केयरफुल्ली सोच समझ के और उससे स्टिक करें जो आपको गोल को पाने के लिए इसेंशियल नहीं है उन सारी चीजों को नो no कहें आप उसमें हेसिटेट ना करें जो भी नेसेसरी होमवर्क है वो करें और सिर्फ एक्सपर्ट से कंसल्ट करें नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग एज एन इसेंशियलिस्ट आपको यू हैव टू बी एन इसलिस्ट तो एक इसेंशियलिस्ट की तरह आप डिस्टिंग्विश करें कि क्या इसेंशियल है क्या नहीं एट ईच एंड एवरी लेवल सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन मैं बताना चाहूंगी कि बैंकिंग एंड रेगुलटरी बॉडी एग्जाम्स की जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आई एग्जाम भी ऑनलाइन तैयारी कराता है सो अगर आप इंटरेस्टेड हों फील की आपको गाइडेंस की आवश्यकता है आप आई एग्जाम भी कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं उसके पहले आप डेमो देख सकते हैं फॉर विच यू नीड नॉट पे एनी थिंग यू कैन प्रिपेयर विथ अस फिफ्टी परसेंट फॉर फास्टर एंड फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन query you can call at 9205524028 so thank you friends thanks for watching